हमारे साथ मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी और बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी। और इस वक्त मेरे हाथ में ये पुस्तक आप देख रहे हैं, स्कंद पुराण के अंदर जो काशी खंड है उसके बारे में जिक्र किया गया है और उसके अंदर ज्ञान वापी का भी जिक्र है। तो एक एक सवाल का जवाब मैं उनसे ले लेता हूं, क्योंकि तमाम जो अफवाहें चल रही हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं कि जो शिवलिंग मिला वो शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है। ओझा जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता दीजिए कि जो स्कंद पुराण है उसके श्लोक नंबर काशी खंड में जो श्लोक है 220, उसमें आखिर क्या कहा गया है और आपको क्या लगता है कि जो मिले हैं वो आदि विश्वेश्वर ही हैं? सभी को प्रणाम। और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज संपूर्ण विश्व जो मूल बाबा का स्थान है, मूल आदि विश्वेश्वर हैं, उनका मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दर्शन कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल इस समय चल रहा है कि जो शिवलिंग वहां मिला है वो क्या वही मुख्य विश्वनाथ हैं या कोई और हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सोमवार के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्वयं विश्वनाथ प्रकट होकर के साक्ष रूप में वहां विद्यमान है। अब प्रश्न यह है कि वो शिवलिंग जो मिला है वो विश्वनाथ क्यों है, आदि विश्वेश्वर के हैं? तो उसके दो तीन कारण हैं। पहला देखिए, ये स्कंद पुराण का काशी खंड का 97 अध्याय में 220 नंबर का श्लोक है, पढ़ के एक बार सुना दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ लिखा है, देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोध का तदम्बु प्रासनम निर्णाम अपुनर्भव हेतवे। इसका मतलब यह है कि देव मतलब भगवान शिव के दक्षिणे भागे, दक्षिण भाग में वहां पर वापी स्थित है, जिसको ज्ञान वापी कहते हैं, जो सुबोध का है अर्थात जिसका जल अत्यंत पवित्र है। और उससे क्या होता है वो भी लिखा है, तदम्बु प्रासनम माने अम्बु मतलब होता है जल, प्रासन मतलब भक्षण, उसके जल के पान करने से क्या होता है, निर्णाम अपुनर्भव हेतवे। अपुनर्भव कहते हैं मोक्ष को, माने पुनः संसार में न आना, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये काशी खंड का जो आपका काशी खंड में जो ये पद्य है यह बतलाता है कि देव के दक्षिण भाग में ज्ञान वापी है, तो निश्चित है उत्तर भाग में भगवान शिव विराजमान है। तो अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में आप जाएंगे जहाँ ज्ञान वापी है, जो कुआं है, उस ठीक कुएं के उत्तर भाग में भगवान शिव प्रकट हुए हैं। तो एक कारण ये बतलाता है, इस पद्य के अनुसार देखा जाए, इस पुराण को प्रमाण मान करके, साक्ष्य मान के देखा जाए, तो जो शिवलिंग वहां मिला है वो निश्चित रूप से भगवान शिव हैं, भगवान विश्वनाथ हैं, जिनकी बहुत पहले पूजा होती रही, पुराणों में, शास्त्रों में जगह जगह चर्चा है। एक प्रमाण तो इसको देखिए। एक दूसरा सवाल भी अपने दर्शकों की जानकारी के लिए पूछ लें, क्योंकि एक याचिका दायर की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जहां पर ये शिवलिंग मिला है उसके नीचे दीवारें हैं, तहखाना है, उनको तोड़ा जाए। तो आप लोगों को ये लगता है या पुराणों के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो शिवलिंग है वो नीचे भी और हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बात यह है ना, जब आप जाएंगे इस स्कंद पुराण के काशी खंड में देखेंगे तो एक ही शिवलिंग की बात नहीं है जी। भगवान शिव के अगल बगल कई शिवलिंग की बात की गई है, कई तीर्थों की वहां बात की गई है। तो जब उस तहखाने को खोदेंगे तो हो सकता और भी वापी मिले, और भी ज्ञान तीर्थ जल का स्थान वहां मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आज से 30 वर्ष पहले तक जो पश्चिम दिशा में जिसका पुराणों में उल्लेख है, श्रृंगार गौरी, जो नव गौरी में चौथी गौरी आती है, तो उनका सीधा सीधा लिखे पश्चिमे श्रृंगार गौरी। तो जो ज्ञानवापी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, जिसका अभी नाम लोगों ने मस्जिद कहना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ज्ञानवापी शब्द और मस्जिद शब्द का कोई मेल नहीं है, फिर भी उसके पश्चिम दीवार पर देखेंगे तो श्रृंगार गौरी का पूजन होता है, जो कि अंदर भी 30 साल पहले पूजन होता रहा, लेकिन पता नहीं कुछ शासन ऐसे आए जो उसको बंद कर दिए। अब हमारा ये कहना है कि ये सब चीजें तो प्रमाण के रूप में मिल गए हैं। एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि वो शिवलिंग है कहीं ना कहीं, देखिए न्यायालय अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित करने की जब बात कह दी है,
सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कह दी है, तो कहीं ना कहीं इसको मान रहा है। अब एक चीज यहाँ कह दूं, आप एक सवाल आपसे पूछ लूं, जो वायरल वीडियो हो रहा है, जो तस्वीर आपने देखी, उसके ऊपर का आपको लगता है कि स्ट्रक्चर जो है वो छेड़छाड़ किया गया है, उस पर जानबूझकर कुछ लगाया गया है, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी हैं? नहीं सर, ये तो मीडिया के माध्यम से बात आ रही है। कई जगह मिट्टी डाल दिए गए हैं, कई जगह चूना लगा दिए गए हैं, जहां हमारे बहुत सारे स्वस्तिक के चिन्ह हैं, घंटा के चिन्ह हैं, त्रिशूल के चिन्ह हैं, उनको मिटाने का बहुत प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से बाद में कुछ लेपन इत्यादि किया होगा, इसलिए कुछ विकृत रूप वहां दिख रहा है, लेकिन वो मूल रूप से शिवलिंग है। और ये फुहारा इत्यादि ये सब कहना जो है बकवास की बातें हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब भगवान शिव प्रकट हो गए हैं, तो जितने भी सनातन धर्मावलंबी है, और ट्रस्ट से भी मैं बात किया हूं, कि हम लोग माननीय न्यायालय के पास चलें और उनसे कहें भगवान के विग्रह का बिना पूजन और भोग के एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। तो हमको वहां कोई ना कोई उधर से दरवाजा खोल करके वहां भोग लगाने पूजा करने की बिल्कुल अनुमति मिलना चाहिए, नहीं तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा। बाबा शिव यदि बिना पूजन और मनुष्य एक दिन बिना पानी के नहीं रहता है, बिना जल के नहीं रहता है, तो सेम प्रक्रिया हमारे यहाँ है, जैसे हम सुबह उठ करके नहाते हैं, धोते हैं, भोजन करते हैं, वैसे भगवान का भी प्रतिदिन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो है काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, आप उसके ट्रस्टी भी हैं। बताया ये जाता है कि बहुत पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से एक सर्वे भी कराया गया था, उसमें भी इस तरीके की जानकारी थी कि जो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है जहां पर पाया गया है, उस सर्वे में भी यही बताया गया था, और उसकी आकृति और स्वरूप को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये बात जिक्र हमने भी सुना है, लेकिन मैं आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने वो बात आई नहीं, लेकिन ये जरूर सुना हूं कि सर्वे किया गया है, नक्शा भी कोई है, जहां पर कुछ थोड़ा सा विभेद भी हो सकता है, जैसा मुस्लिम पक्ष अधिक से अधिक दावे करते हैं, लेकिन अब ये सब बाद में बदला गया है, और उसको और भी अब देखिए, अब बहुत देर नहीं है। तो दो बड़ी मांगे आप लोगों की, पहला कि पूजा का अधिकार वहां पर दिया जाए जहां पर शिवलिंग मिला है। अधिकार केवल हमारे लिए नहीं मिलना चाहिए, ये पूरे देश हित में है, विश्व हित में है। भगवान शिव जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, जो सर्वशक्तिमान है, वो जब प्रकट हो गया है अपने आप साक्ष के रूप में, अब उसको पूजा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।